कोरोना महामारी के चलते लंबे समय बाद जिला परिषद में मंगलवार को आयोजित हुई जनसुनवाई। जिला प्रमुख की अध्यक्षता में समस्त विभागों के अधिकारी रहे मौजूद, नहीं लगा जनता का दरबार। कोरोना महामारी के चलते जिला परिषद में पूर्व की तरह हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई नहीं हो पा रही थी। जैसे ही कोविड-19 की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी और अनलॉक हुआ, तो आज मंगलवार को जिला परिषद में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में फिर से जनसुनवाई का आयोजन किया गया। आज भी जनता का दरबार तो नहीं लगा, सिर्फ संबंधित विभागों के अधिकारी जनसुनवाई में मौजूद रहे। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिकायतें व समस्याओं के प्रकरण आए, जिनके निस्तारण के लिए आज अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही पूरे जिले में प्रत्येक पंचायत समिति में जिला परिषद सदस्यों को जिला आयोजना समिति के बजट से 10-10 लाख रुपए आवंटित करने की घोषणा भी की गई है, जिससे वे मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के लिए काम कर सकें। उन्होंने बताया कि मानसून पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में सड़क नाली और पंचायतों से संबंधित समस्याओं के समाधान कराए जाएंगे। इस मौके पर समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना के चलते आज एक लंबे समय बाद जिला परिषद के अंदर फिर जनता का दरबार लगा। लोग नहीं थे, अधिकारी मौजूद थे। किस तरह से कार्रवाई की गई और क्या आधार रहा, किस तरह की समस्याएं जा रहा? आज जिला परिषद में हमने जन सुनवाई कर रखा था, लेकिन कोविड की वजह से लंबे समय तक मैं भी ऑफिस में नहीं बैठ सकी और पब्लिक भी नहीं आ सकी। इसलिए हमारे पास एप्लीकेशन्स आती थी पब्लिक की, ऑनलाइन एप्लीकेशन्स आती थी, लेकिन आज मैं जिला परिषद आई हूँ और हमने सारे विभाग के अधिकारी को हमने बुलाया है और जो जनता की जो समस्या थी वो समस्या पे हमने समाधान किया, बातचीत की, चर्चा की और जो समस्या थी लोगों की वो समस्या का हमने समाधान किया। किस तरह की समस्या है इसमें? किसी के क्या कि बरसात का मौसम आ रहा है तो इसमें किसी के रोड टूटी हुई है, किसी के नालियाँ हैं, किसी का गंदा पानी घर में आ रहा है। हमने पूरे अजमेर ज़िले की जो जनता है उनकी यही समस्या है, किसी के शमशान घाट है, किसी के हमारे जो जिला परिषद में बजट आता है तो हम जिला परिषद सदस्यों को भी हमने लेटर भी लिखा है और आगे की मीटिंग की तैयारी भी कर रहे हैं कि हम जिला परिषद सदस्यों को सभी को बुला के जो आयोजना में जो बजट आया है वो हम सभी जिला परिषद को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, कहीं भी वो काम करा सकते हैं, वो अपना लेटर भी दे दे, हमने मीटिंग भी रखी है। धन्यवाद।